YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। जिले के पाटन प्रखंड अंतर्गत पाले खुर्द गांव व आसपास के लगभग 30 गांव की आबोहवा में हिंडाल्को कोल माइन से कोयला ढुलाई में लगे वाहनों से निकलने वाले जहरीली धुआं के घुलने व सड़क मार्ग पर उड़ते कोयला डस्ट से लोगों का श्वास लेना भी मुश्किल हो गया है। पाले सिक्का सखुई सरैया गरेडियाडी सहित प्रखंड के कई गाँव से प्रभावित ग्रामीणों ने इसकी रोकथाम और वैकल्पिक व्यवस्था की मांग को लेकर शुक्रवार को सड़क जाम किया। जाम कर रहे ग्रामीण नियमित रूप से सड़क पर पानी का छिड़काव व सड़क निर्माण की मांग पर हिंडाल्को प्रबंधन के खिलाफ गुस्सा का इजहार कर रहे थे। वहीं जाम की खबर सुन हिंडाल्को कोल माइंस की महाप्रबंधक मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को यथाशीघ्र सड़क निर्माण कराने का आश्वासन दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने कहा कि अगर सड़क निर्माण शीघ्रता से नहीं कराया गया तो वे पुनः सड़क जाम करने को मजबूर होंगे। का जो मामला है इससे हम लोग 5-7 ग्राम जो भुक्तभोगी हमेशा होते हैं, इस मामला को हम लोग ऊपर से ऊपर तक ले जाना चाहते हैं। और ये कोलवरी लगभग 10 साल से ये 5 गांव को इतना त्रस्त करके रखी हुई है। आप इस देख सकते हैं सड़क को देखने के बाद ये कितनी जर्जर स्थिति है और हम इस बात को आगे से आगे तक फैलाना चाहते हैं इस मीडिया के जरिए से। और आज से निरंतर हड़ताल पे जितने भी जनता दिख रहे हैं ये निरंतर हड़ताल पे रहेंगे। जब तक ये सड़क की स्थिति नहीं सुधरेगी हम अब शांत बैठने वाले नहीं हैं। इस चीज़ को यहाँ पे बंदी करते हैं या जाम करते हैं तो क्या होता है, कंपनी वाली आता है बिना लिखित के, माने वहाँ पे हड़ताल को हटवा देता है। इसलिए हम लोग जो भी हड़ताल करेंगे बस लिखित के साथ लेंगे, मौखिक में कोई भी कारोबार नहीं चलेगा।